जहाँ तक आपको पता है जो महिलाएं ये चीजें कर रही हैं वो सिर्फ हॉस्टल से आई हुई महिलाएं हैं, इंदौर की रहवासी नहीं है, तो आप उनको पॉइंट आउट करते ना, आपने उसके कारण सभी महिलाओं को बोला। सचिव कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं पर दिए बयान ने इंदौर की राजनीति में गर्माहट ला दी। लड़कियों के पहनावे को लेकर अपने विचार प्रकट करके वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कैलाश के इसी बयान को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष साक्षी शुक्ला ने मानहानि का नोटिस भेजा है। साक्षी शुक्ला का कहना है कि चार महिलाओं की वजह से कैलाश विजयवर्गीय ने 400 महिलाओं पर सवाल उठाया है और इंदौर की महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए मानहानि का दावा करते समय शहरी महिला कांग्रेस अनजाने में महिलाओं पर ही सवाल उठा गई। महिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इंदौर का माहौल हॉस्टल की महिलाएं खराब कर रही हैं, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है वो बहुत ही गलत था। उन्होंने चार महिलाओं के कारण 400 महिलाओं पे उंगलियां उठाई हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। इससे आपको मेरे मतलब रहने सहने के ढंग से या अपने इंदौर की संस्कृति को देख के ये नहीं लगता होगा कि अपने यहाँ की महिलाएं सूपनखा का दर्जा प्राप्त करने योग्य हैं। जहाँ तक आपको पता है जो महिलाएं ये चीज़ें कर रही हैं वो सिर्फ हॉस्टल से आई हुई महिलाएं हैं, इंदौर की रहवासी नहीं हैं, तो आप उनको पॉइंट आउट करते ना, आपने उसके कारण सभी महिलाओं को बोला, जिससे हम सबके मान सम्मान पर बात आ चुकी है और इस कारण से हमने मानहानि का दावा लगाया है। एडवोकेट साक्षी शुक्ला डागा, महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर। वही इस मामले पर एडवोकेट सौरभ मिश्रा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने सभी महिलाओं को जनरलाइज करके आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उन पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। अच्छा, कुछ एक महिलाओं के कारण सभी महिलाओं को टारगेट करना, उन्होंने आपने उनका वक्तव्य देखा होगा, उसमें उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि पर्टिकुलर कुछ महिलाएं जो रात में घूमती हैं फिरती हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने सीधे बोला है कि पहले महिलाएं जो थी देवी स्वरूप की होती थी, लेकिन आजकल मतलब सभी महिलाओं को टारगेट किया है। तो उससे चूँकि हमारी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं साक्षी शुक्ला डागा, ये भी महिला हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए इन्होंने अपने साथियों और अपने व्यक्तिगत अपमान के आधार पर उन्हें मानहानि का नोटिस दिया है, जिसमें हमने 3 दिन का समय दिया उनसे कि अपने वक्तव्य के संबंध में माफ़ी मांगे, खेद व्यक्त करें मीडिया के माध्यम से, अन्यथा उसके बाद हम मानहानि का सूट दायर करेंगे। लिहाजा महिला कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस भेजकर 3 दिन में माफी मांगने की मांग की है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शहरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने हॉस्टल की महिलाओं पर सवाल खड़े करके एक और नई बहस को जन्म दे दिया है। पंजाब केसरी के लिए गौरव कच्छल, इंदौर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।